हे गाइस, गुड इवनिंग। और दोस्तों, आज हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। मतलब सेकंड पार्ट मतलब आज हमें काम करना ही था यार। तो अभी मैं हमारे जो गप्पी पौंड है, बहुत सारे भाई मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आपका जो गप्पी पौंड है, आपका सॉरी गप्पी पौंड है यार, क्या है वो, मतलब कौन सा पौंड है? अच्छा, हमारे गप्पी फिश, मॉली फिश और ऑल फिशेस का जो बेबीज आप रखते हो, मिक्स पॉन्ड है, मतलब उसका नाम हमने रखा नहीं है, बट जो मिक्स फिश पॉन्ड है आपका, आप उसका वाटर चेंज करो। ठीक है दोस्तों, आज हमें वही करना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पड़े भाई। सब भाइयों का एक ही कहना भी, आप है ना, वहाँ के जो जो बेबीज है आप उनका अपडेट दो और पोलर पैरेट फिश का अपडेट दो। क्योंकि मैंने ना 1 से 1.5 महीने पहले ना वहाँ पे बेबी पोलर पैरेट छोड़े थे और मैंने छोड़ दिए थे वहाँ पे, तो अभी वो कितने बड़े हुए, क्या हुए, तो मुझे बहुत सारे भाई अपडेट मांग रहे थे। तो भाई वही हमें अभी चेंज करना है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं, अभी चलते हैं, चलो काम स्टार्ट करते हैं भाई। चल, अभी सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से हमारी नली उठा के ना सीधा ना यहाँ पे डाल देता हूँ। मतलब यहाँ पे हमारा पूरा पानी का सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा यार। शिट, क्या हो गया यार, उधर से नली निकलना भाई। हाँ, निकल वहाँ से। तो अभी यहाँ से हमें ना पूरा पानी का सप्लाई दे देंगे पहले। ओए यार, आ रहा है दोस्तों। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पे हमने जुगाड़ किया है, जो कि हमारे सीधे जो बेबी फिश का जो पॉन्ड है वहाँ पे पानी जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सारे जितने भी हमारे फिशेस है मैं सारे के सारे निकाल लेता हूँ पहले, फिर हम जो गंदा पानी है सब निकाल लेंगे, फिर वहाँ पे हम न्यू पानी भर के हमारे जो बेबी फिश है वहाँ पे छोड़ देंगे। एक्साइटमेंट है ना, एक्साइटमेंट एक चीज़ की, वहाँ पे कौन से फिश के बेबीज निकलते, कितने बड़े हुए भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो चलो जल्दी से जल्दी करते। भाई पहले तो अपने को टब लेने होंगे यार। ये देख, यहाँ पे एक टब है, चलो इस टब में हम जाली भी लेनी होगी यार। जाली से क्या होगा भाई, नान बड़ी जाली लगी ना अपने को, मैंने रखी है, मैं लेके आता रुक। तो ये देख सकते हो भाई, हमारे बेबी फिश पॉन्ड का जो वाटर का हाल है, ये सपड़ गई मुझे, बट बड़ी जाली का जो एक हाल है यार, यहाँ से फटी हुई यार, यहाँ से तो भग जाएंगे सारे बेबी, जिसका कोई फायदा ही नहीं लग रहा मुझे। क्या कर लेते हो दोस्तों, यहाँ का जितना भी जो गंदगी वगैरह में केड़ कचरा सब निकाल लेता हूँ, फिर हमारे यहाँ के जो फिश है जो मैं सब यहाँ से निकाल कर यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने पहले वाले फिश कैच कर लिए, जो कि गप्पी फिश की फीमेल से। यार यहाँ पे गप्पी फिश भी आ गए। ओहो ओहो ओ, ओए ओए, शॉर्ट टेल, यहाँ पे इधर। गंदी हो गई नेट, कितनी गंदी हो गई ना यार ये नेट। ओ ओ, पकड़ी। तो दोस्तों ये देख सकते हो भाई, ये साइज के हमारे पोलर पैरेट के बेबीज हो गए हैं, और मैंने काफ़ी सारे पोलर पैरेट से बेबी यहाँ पे पकड़े। ज़्यादातर यहाँ पे हमारे जो है ना भाई गप्पी फिशेस ही है, मतलब गप्पी फिश ज़्यादा निकली और मॉली फिश के बेबीज ज़्यादा निकले, पोलर पैरेट के बहुत कम निकल रहे हैं, बट ढूंढना होगा भाई हमें। तो चलो बन गया।
तो ये देखो यार कितना बड़ा बेबी मिला। होई 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 पोलर बैर इतना बड़ा बेबी यार। करीब 30 मिनट से हम यहाँ पे फिश पकड़ रहे हैं दोस्तों। तो यार यहाँ पे मैंने इतने सारे फिश यहाँ से पकड़ ली। यहाँ पे मुझे जो पोलर पैरेट से जो एक्सपेक्टेशंस थी तो बहुत ज़्यादा कम है भाई। मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था तो भाई वो मतलब भाई हमें सिर्फ 20 से 25 बेबीज़ यहाँ पे मिले हैं, जो कि मैंने यहाँ से 150 बेबीज छोड़े थे हमारे पॉन्ड में। तो यार अभी पता नहीं, तो मुझे बहुत सारे भाई बोले भी थे कि भाई आप वो इसे क्या हुआ यार, ऐसा क्यों ये कर रहा है। तो ये साइज के हमारे पोलर पैरेट के बेबीज़ हो गए। और एक बड़ा देखा था यार मैंने, अभी वो नहीं दिखेंगे यार। पोलर पैरेट यार यहाँ पे होंगे यार, होंगे बहुत सारे होंगे, बट है ना वो हमें अच्छे से कैच नहीं करते आ रहे। मतलब मैं कैच करने जा रहा हूँ, बट वो पोलर पैरेट का क्या होता है भाई, यहाँ यहीं पर देख लो आप, ना इसे चिपक जाते यार, इधर इसे ना ग्राउंड पे चिपक जाते, एक जगह पे बैठ जाते हो, तो इसकी वजह से नेट से अच्छे नहीं आ रहे। बट हमने जितने मॉली फिश के बेबी छोड़े, जितने गप्पी फिश के बेबी छोड़े भाई, सारे के सारे मैंने पकड़ लिए। और हमने शॉर्ट टेल के भी बेबी छोड़े थे जो कि साइज़ में इतने बड़े हो गए। देखो यार ये हमारे शॉर्ट टेल के बेबीज़ की जो साइज है बहुत जल्दी बढ़ गई। मतलब ज़्यादा देर यहाँ पे ना शॉर्ट टेल और मॉली फिश के ही बेबी है, ब्लैक कलर के ही, देखो कितने बड़े बड़े। और गप्पी फिश के जो बेबीज़ वो भी बड़े हो गए। तो ठीक है, अभी इनको हम अच्छे पानी में छोड़ देते हैं। ये पानी हम पहले चेंज कर लेते हैं, नहीं तो इनको यहीं पे रहने देते वेदन, फिर हम पानी चेंज कर देते हैं, फिर इनको यहाँ पे छोड़ देंगे फिर से। तो एक बड़ी दिक्कत हो गई है, यहाँ का जो वाटर है ना भाई, ये इस नली के हमने जुगाड़ किया भाई ऐसे करके यहाँ पे खाली हो जाए, बट ये जुगाड़ भाई कामयाब नहीं हो रहा। इतने जल्दी बहुत देर लग रही है, अभी थोड़ा शाम हो गया यार। तो मैं क्या करता हूँ ना, कल मोटर वगैरह ला कर हम इसका पानी कल चेंज कर देंगे। और आज हमारे जो फिश है अभी ये सारे के सारे में ऊपर हमारे मॉली फिश के पॉन्ड में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना दोस्तों हमारे गप्पी फिश के भी बेबीज है, और पोलर पैरेट के भी बेबीज है, और कौन से यार शॉर्ट टेल है, और मतलब सब मिक्स है हमारे पास, जितने भी लाइव बिरल फिश हैं सबके मिक्स है, और सिर्फ पोलर पैरेट के यहाँ पे मिक्स है। तो मैं ये सब फिश है ना हमारे, ये तो फ्रेश वाटर है भाई। यहाँ पे तो कोई भी फिश, मतलब ऑस्कर फिश इतना पूरा बीमार था वो अच्छा हो गया। तो भाई ये वाटर तो पूरा भाई अच्छा ही यार, पूरा नेचुरल पॉन्ड है हमारा। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये हमारे सारे फिश ने यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं। पॉन्ड को हम अच्छा साफ कर देंगे यार कल या परसों में। अभी तो पानी बिल्कुल भी नहीं खाली हो रहा, मुझे मोटर वगैरह का इंतजाम करना होगा, नहीं तो एक्वेरियम साइपम पम्प वगैरह होता है ना उसका इंतजाम करना होगा, फिर हम वो करेंगे। तो फिलहाल तो मेरे दोस्त के पास दिया हुआ है, मैंने उसका बड़ा पॉन्ड है ना, वो बड़ा पॉन्ड साफ करने के लिए लेके गया, बट अभी वो लाने में मतलब 1.5 घंटा लग जाएगा। और भाई अभी शाम तो हो रही है यार, शाम होने की वजह से यार नहीं अभी तो नहीं भाई। तो चलो इनको जल्दी से जल्दी पकड़ते हैं। ये देखो यार हमारे गप्पी भी कितने बड़े हो गए थे यार वहाँ पे। यहाँ पे अभी हमारी गप्पी भी रहेंगी और मॉली भी रहेंगी और ये सारे बेबीज भी रहेंगे। होय 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 होय, जाओ भाई तुम्हारे न्यू होम में। और दोस्तों एक हमें एक बात यहाँ पे नज़र आई, हमारे जो बेबीज छोड़े थे ना हमने गप्पी बीच के, ये बेबीज है भाई इतने बड़े बड़े, ठीक है ना। ये देखो ये पोलर पैरेट का भी गया, छोड़ो भाई अभी सारे के सारे छोड़ देता हूँ मैं। ये देखो भाई शॉर्ट टेल कितनी बड़ी हो गई थी। यहाँ से फिर से हम जो गप्पी फिश क्वालिटी ना, हम यहाँ से फिर से कैच कर लेंगे और हमारे गप्पी फिश में वो ऐड कर देंगे। वो ये छोड़ दिया हरदने, तो ये स्नेल छोड़ देता हूँ पहले मैं। स्नेल देखो, स्नेल की भी बेबीज छोड़े थे कितने बड़े हो गए यार। स्नेल है ना वहाँ पे बहुत जल्दी बढ़ती है यार, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए स्नेल को बहुत ज़्यादा
अलग 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 मतलब भाई वहाँ पे ना डाफनिया भी रेडी होता है, मैंने देखा है भाई वहाँ पे। ये देखो पोलर पैरेट के बेबीज, जाओ 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 जाओ। और कितने आ रही है, उधर से हाथ कर दो, उधर से हाथ कर, हाँ इधर से, हाँ ऐसा मेरे हाथ पे आने चाहिए ऐसा, हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ गए। और एक बड़ी मॉली भी निकली भाई वहाँ पे, ये देखो पोलर पैरेट के बेबीज कितने बड़े हो गए थे, ये देखो ये देखो ये देखो। यार मैंने टैंक में उनको अच्छा ग्रो किया होता तो भाई हमारे पास आज 200 से भी ऊपर बेबीज रहते यार, इतनी बड़ी साइज रहती हमारे पोलर पैरेट की। बट यार मैंने उनको वहाँ पे छोड़ दिया पॉन्ड में, मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आप वहाँ पे ना छोड़ो। तो चलो भाई अभी मैं इन सारों को है ना, अभी कितने बचे, छोटे छोटे बेबीज है ना, ये शॉर्टल के बड़े बड़े ना निकल ले यार, शॉर्टल हमारे पास बहुत कम है, मतलब ना के बराबर हमारे पास शॉर्टल बच्चे है। ये देखो भाई शॉर्टटेल बहुत सारी निकली भाई, ये भी शॉर्टटेल। ये हमारे मॉली फिश के बेबीज, तो अभी ना ये ना ये अभी जितने भी बच्चे होंगे ना थर्मोकोल में छोड़ देते, अभी तो नहीं है मतलब चार पांच बच्चे होंगे क्योंकि गंदा पानी ना हम डाल नहीं सकते वहाँ पे, तो इनको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आराम से रहेंगे वो। दोस्तों मैंने हमारे सारे फिशेस को यहाँ पे अच्छे से छोड़ दिया और अभी हम इनको जब पकड़ेंगे, जब ये पॉन्ड हमें साफ करना होगा तब हम यहाँ से जो बेबीज हम अलग कर देंगे और पोलर पैरेट्स के जो बेबीज वो अलग कर देंगे, ठीक है। तब तक ये बड़े भी हो जाएंगे, अभी एक महीना तो हमें चेंज नहीं करना है भाई यहाँ का पानी, तो क्योंकि क्लीन है यार यहाँ का पानी, देखो पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ का, इसलिए ये नीचे नहीं दिखता क्योंकि ना यहाँ पे अलगी ना अलगी तैयार मतलब रेडी हो गई, तो अलगी इनके लिए बहुत अच्छी रहती है मुझे पता है इनके लिए, इसलिए मैं ये नहीं निकालूंगा भाई अभी, अभी अच्छा ग्रो भी हो रहा है। और एक आज हमारे जितने भी पिजन है सब बाहर छोड़े हैं और अभी तो ये बाहर ही यार, अभी नहीं शाम को इनको बंद करने के लिए आएंगे। जो ब्राउनी ओरिगल है ना, ये जो खाना बचा है ना यार, ये हम उनको दे देते हैं। चलो खोल 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 खोल, ओ एक मिनट तुम्हें अंदर ही दे रहा हूँ यार, चलो चलो आओ 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 आओ। और हमारे यहाँ पे जो हमारा पिजन का बेबी है वो भी यहीं पे है, और दूसरा कहाँ गया यार, भी रख देता हूँ मैं। ओए ओए भाई काफ़ी भारी यार ये, चल ब्राउनी ये पानी भी पी लेना, ठीक है इनका हो गया भाई, इनको बंद ही कर दे क्योंकि ना ब्राउनी क्या करती है ना दोस्तों, हमारे पिजन के केज के अंदर घुसती है भाई, ये सारे केज पिजन को ना परेशान करके रख देती है भाई ये। और दोस्तों हमारे सारे फिश रूम के जितने भी फिशेज है भाई सबका फीडिंग कंप्लीट हो गया, मतलब मैं नहीं था, घर वालों ने कर दिया यार, मैं ऊपर था और हम आगे भी थे, थोड़ा पानी वगैरह चेंज करने में उन्होंने फीड कर दिया, तो अभी फीड करके कोई फायदा ही नहीं है। हे बड़ीज हमारे बेटा फिश को जल्दी जल्दी हमें फीमेल मेल लाने होंगे यार, क्योंकि अभी ये जो हमारी फीमेल्स है ना इनको लाइव फूड भी चालू करना है। अरे भाई कह रहे थे कि भाई आप इन आपके बेटा फिशेज की फीमेल्स को ना लाइव फूड दो तभी वो जल्दी से जल्दी ब्रीड भी कर देगी, इसकी वजह से हमें ना हमारे फाइटर फिशेज की फीमेल्स को लाइव फीड लाना है, मतलब मैंने ब्लड वॉर्म वगैरह जो होती है ना फ्रोजन ब्लड वॉर्म वो हमें लानी है कुर्ला मार्केट से, तो वो भी लेके आएंगे। और यहाँ पे हमारे गोल्ड फिश भी ठीक है, जैनगुना में भी ठीक है, और गप्पी फिश हमारे गप्पी फिश की फौज भी ठीक है भाई, अभी फौज हो गई भाई ये, ठीक है ना, देखो कितने सारे गप्पी फिश हमारे पास यार। एक दिन मैंने कुर्ला मार्केट से सिर्फ 12 से 13 पेड़ लाए थे और अभी हमारे पास देखो यार कितने सारे बेबीज हो गए, कितनी सारी ब्रीड हुई है, सक्सेसफुल ब्रीड भाई, इसे बोलते हैं सक्सेसफुल ब्रीड। और मॉन्स्टर टैंक भी एकदम ठीक है, इनको कोई टेंशन नहीं है, मतलब अभी हमारा जो बॉब है ना सेकंड वाला ये हमारे शार्क फिश के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है, बट हमारा जो पहले वाला बॉब था ना वो शार्क फिश को थोड़ा तंग करता था, मतलब ये जो इन स्किन वगैरह को थोड़ा अटैक करके वो खा लेता था भाई, अलग ही था उसका। और यहाँ पे पोलर पैरेट भी ठीक है, और दोस्तों हमारे पोलर पैरेट मैंने जो आगे से निकाले ना वो अभी टैंक में रहते तो भाई वो बेबीज इतने बड़े बड़े हो जाते, अभी ये जो बेबीज है ना भाई हम टैंक में ही रहने देंगे और इधर इनको यहीं पे बड़ा करेंगे, ठीक है ना, अभी इनको हम कहीं पे शिफ्ट नहीं करने वाले। और इनका हम पानी 15 डेज में एक बार चेंज तो कर ही लेते हैं, अभी किया यार इनका पानी वाटर चेंज, तो देखो यार ये बेबीज अभी थोड़े थोड़े बढ़ने भी लगे, और इधर के तो भाई इनको तो पैटर्न आने लगा, इन वाले बेबीज को तो पैटर्न आने लगा, और ये जल्द से जल्द अभी दूसरे अंडे भी दे देंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे जो दोनों पेयर हैं दोस्तों जल्द से जल्द अंडे भी दे देंगे ऐसा मुझे लगता है,
तब हमें ये वाले बेबीज साइड में कर देंगे। अभी तो बेबीज को फिलहाल तो संभाल रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे एक भाई ने कमेंट किया था भाई कि ये जब अंडे देते हैं ना तब ये थोड़े बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और जो पुराने वाले मतलब ये जो पहले वाले बेबीज हैं उनको पास नहीं अंडे देते, तो एग्रेसिव होने के कारण आपके बेबीज मर सकते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इनको साइड में कर दीजिएगा, ऐसा मुझे बोले थे भाई। बट अभी तो कोई इनका ब्रीडिंग बिहेवियर तो नहीं दिख रहा यार, अभी तो फिलहाल तो बेबीज को ही संभालने में लगे, और फ्लोरम भी दोनों के दोनों ठीक है, और यहाँ पे हमारी पोलर पैरेट की कम्युनिटी भी ठीक ठाक है यार, एकदम डन। और यहाँ का वाटर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। आप मैंने जब ये पानी चेंज किया था उस दिन का आप वीडियो देखो और इस दिन का आप वीडियो देखो, अभी पूरा पानी क्लियर हो गया। मतलब स्पॉन्ज फिल्टर बड़ी काम की चीज़ है यार।